जाता है कि गैर मुस्लिम केवल महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। एक आर्गुमेंट जो बहुत से लिबरल्स और जो इस्लामिस्ट देते हैं ना कि भाई सारे ऐसे नहीं है, सारे टेररिस्ट नहीं है, मैंने कहा भाई अगर 10% भी इस मानसिकता के साथ बड़े हो रहे हैं कि गैर मुस्लिम सिर्फ गुलाम बनाए जा सकते हैं, इन 21st सेंचुरी आप अपने बच्चों को अगर ये कहकर बड़ा कर रहे हो, वी आर इन अ डीप प्रॉब्लम हियर। एंड मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान के हिंदू अगर अगले 10 से 12 वर्षों में वहां से नहीं निकाले गए तो इनमें से कोई बचेगा। स्टेट बना रहे हैं और उस आइडियोलॉजिकल स्टेट की बुनियाद ये है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, और आपने वाज़े तौर पे अपना जो एक टू नेशन थ्योरी है उसको इस बुनियाद पे आपने रखा है कि हमारे आइडियल्स कुछ और हैं, हिंदुओं के कुछ और हैं, हिंदुओं के बिलीव्स कुछ और हैं, हमारे और हैं, उनके सिंबल्स रिलीजियस सिंबल्स कुछ और हैं, हमारे और हैं, उनका खाना पीना कुछ और है, हमारा और, तो हम तो इकट्ठे नहीं रह सकते। और फिर इसी बुनियाद पे आपने 10 लाख लोग मरवा दिए और देश और पाकिस्तान के जो हिंदू और सिख हैं उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। हाँ हाँ अंबर, यही तो प्राइमरी डिमांड थी हमारी। देखिए उनते रहेंगे ना ना ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स को लिंक अप करें आप इमदाद के साथ, पैसे के साथ, जो माल आता है वहां से, तो माल जब रुकेगा तो फिर ये सीधे हो जाएंगे। बस बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान से हमेशा की तरह वसीम अल्ताफ साहब और हिंदुस्तान से डॉक्टर उमेंद्र रत्नू। आप सब जानते हैं उन्हें, पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हिंदू सिख्स और जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनका भारत में रिहैबिलिटेशन, और काफ़ी पैशनेटली काम करते हैं और बहुत ही, जब भी बात करते हैं तो मैंने देखा है अक्सर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उनके आंसू तक आ जाते हैं जब भी किसी टॉक में या स्टेज पर कहीं पर होते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी हिंदूज और सिख्स के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अंबर, इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू कनेक्ट विद वसीम जी। इनको मैं कई महीनों से फॉलो कर रहा हूँ, अच्छी बात बोलते हैं, समझदारी से बोलते हैं, प्रज्ञावान, प्रज्ञानिष्ठ और सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम इनसे चर्चा कर पा रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का, जैसे कि हमने बात की, आज का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी हिंदू और सिख, या फिर हम माइनॉरिटीज कहें, क्योंकि हिंदू और सिख्स के अलावा भी जो दीगर माइनॉरिटीज हैं उनके भी हाल कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से ही सवाल करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, आप काफी अरसे से काम कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी हालात हैं और जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं उस सबको देखते हुए, आपको क्या लगता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उनके कुछ हालात बेहतर हो पाएंगे या उसका कुछ असर पड़ता है इन सारी चीजों पर? नहीं, कभी नहीं हो पाएंगे। एक पूरा समाज जिसको हिंदुओं की घृणा, जिसे उर्दू में नफरत कहते हैं, उस पर पाला गया है, बच्चों को ये सिखाया जाता है। आपके एक इनके पाकिस्तान के अंदर एक जावेद अहमद घमदी साहब हैं, इनके इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनका एक 2-3 मिनट का एक क्लिप है, मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। बेचारे खुद कह रहे हैं कि हमारे मदरसों में ये पढ़ाया जाता है कि गैर मुस्लिम केवल महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। तो एक आर्गुमेंट जो बहुत से लिबरल्स और जो इस्लामिस्ट देते हैं ना कि भाई सारे ऐसे नहीं है, सारे टेररिस्ट नहीं है, मैंने कहा भाई अगर 10% भी इस मानसिकता के साथ बड़े हो रहे हैं कि गैर मुस्लिम सिर्फ गुलाम बनाए जा सकते हैं, इन 21st सेंचुरी आप अपने बच्चों को अगर ये कहकर बड़ा कर रहे हो, आर इन अ डीप प्रॉब्लम हियर। एंड मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान के हिंदू अगर अगले 10 से 12 वर्षों में वहां से नहीं निकाले गए तो इनमें से कोई बचेगा। अधिकतर का धर्मांतरण हो जाएगा या ये मार डाले जाएंगे वहां पर। 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन पर डे उठाई जाती हैं, ये मैं नहीं कह रहा, हेट मॉन्गर नहीं कह रहा, ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है 2019 मई की, आप गूगल कर लें।
इवन खुद बेचारे पाकिस्तानी ह्यूमन राइट कमीशन के जो थोड़े से सत्यनिष्ठ लोग हैं, वो खुद खुद ये डॉक्यूमेंट करते हैं कि हाँ, 2-3 बच्चियां पर डे उठाई जाती हैं। जो समाज छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये करता है, मैं तो ट्रंप के साथ हूं कि सच पीपल शुड बी बॉम्ब्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। इस अस्तित्व में 18 साल से नीचे की जो बच्ची होती है उसको हम हिंदू कुंवारी कन्या कह के उसकी हर जो नवरात्रि में पूजा करते हैं। क्यों करते हैं पूजा? बिकॉज कुंवारी कन्या को जीवन का स्रोत माना गया है, सोर्स ऑफ लाइफ। इस मेरी आयु के लोग भी पैर छुएंगे उस बच्ची के, उससे आशीर्वाद लेंगे। तो एक तरफ तो ये वैल्यू सिस्टम है, एक तरफ वैल्यू सिस्टम है बच्चाबाजी कि जितनी यंग टेंडर गर्ल हो उसके साथ काम वासना का किया जाए, तो ये कंपैटिबल नहीं है। इस एक तो मेरा जो झगड़ा हिंदुस्तानी जो हिंदू नेतृत्व है उसके साथ में, ये लोग कहते हैं कि जो हिंदू जहां है उसे वहीं पे सशक्त करेंगे। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को सशक्त नहीं कर सकते। एकमात्र विकल्प 21st सेंचुरी में हम जैसे लोगों के पास ये है, हम एक एक हिंदू को वहां से बाहर निकाल रहे हैं। और मेरा तो जीवन इसी ध्येय पर, इसी लक्ष्य पर, इसी गोल पर समर्पित है। जी वसीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने सुना डॉक्टर साहब को, वो हिंदू सिख और जो भी पाकिस्तानी माइनॉरिटीज है उसके लिए काम करते हैं और उनको भारत में रिहैबिलिटेशन के लिए काफी लंबे अरसे से उनका बहुत पैशनेट उनका एक वर्क रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख हैं उनके जो कंडीशन है उसका अगर ओवरव्यू अगर आप अगर दे पाएं, क्या हालात हैं, किस वजह से वो आज इस स्थिति में पहुंचे हैं? देखिए जी, बात ये है कि जब आप एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बना रहे हैं और उस आइडियोलॉजिकल स्टेट की बुनियाद ये है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, और आपने वाज़े तौर पे अपना जो एक टू नेशन थ्योरी है उसको इस बुनियाद पे आपने रखा है कि हमारे आइडियल्स कुछ और हैं, हिंदुओं के कुछ और हैं, हिंदुओं के बिलीव्स कुछ और हैं, हमारे और हैं, उनके सिंबल्स रिलीजियस सिंबल्स कुछ और हैं, हमारे और हैं, उनका खाना पीना कुछ और है, हमारा और, तो हम तो इकट्ठे नहीं रह सकते। और फिर इसी बुनियाद पे आपने 10 लाख लोग मरवा दिए और 1.5 करोड़ लोग जो थे वो आपने बेघर कर दिए दोनों तरफ से, 10 लाख दोनों तरफ से, 1.5 करोड़ दोनों तरफ से। और फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने से 3-4 दिन पहले 11 अगस्त को आप कह रहे हैं जी कि इस मुल्क में कोई हिंदू हिंदू नहीं होगा, कोई मुसलमान मुसलमान नहीं होगा, कोई ईसाई ईसाई नहीं, कोई पारसी पारसी नहीं, हम सब इस मुल्क के शहरी हैं। अगर हिंदू हिंदू नहीं और मुसलमान मुसलमान नहीं तो फिर आपने 10 लाख बंदे क्यों मरवाए और आपने 1.5 करोड़ बंदों को बेघर क्यों करवाया? आप इसका जवाब दें। और मुल्क बनाने के बाद फिर आप जो मुसलमान इंडिया में रह गए थे उनको आप कह रहे हैं जी कि आप अब वहां पे रहें, ये आपका मुल्क है और अपनी वफादारी आप हिंदुस्तान के साथ निभाएं। आपने सोचा कि उनका फ्यूचर क्या होगा, वो लोग वहां पे किस हाल में होंगे और उनके साथ क्या होगा अगर आपने हिंदुओं को आपने बिल्कुल इस मुल्क से बेदखल कर दिया है, डिस्क्रेडिट कर दिया है, तो फिर मुसलमान वहां पे जो हैं वो मुसलमान किस हाल में होंगे और वो किस बुनियाद पे वहां पे रहेंगे और उनके हिंदुओं के साथ जो तल्लुकात हैं उनकी बुनियाद क्या होगी? ये तो थैंक गॉड आपके जो विजनरी लीडर्स थे उन्होंने सेकुलर स्टेट बना दी, अगर वो भी हिंदू स्टेट बना देते तो फिर पता चलता कि उनके साथ वहां पर क्या होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आइडियोलॉजिकल स्टेट होती है ना उसमें इनहेरेंटली जो माइनॉरिटीज होती हैं वो मार्जिनलाइज हो जाती हैं और वो मार्जिनलाइज हो गई। और फिर इस वक्त यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि 14.6% हिंदूज थे ये वेस्ट पाकिस्तान में, 28% ईस्ट पाकिस्तान में थे, और
उसके बाद अब जो सूरत हाल है अब, या वो तो चले गए, वो तो खैर बांग्लादेश बन गया, यहाँ पे अब कोई 1.6% रह गए हैं, यानी अकॉर्डिंग टू वन स्टेटिस्टिक 1.6% रह गए हैं, और वो भी मेजॉरिटी सिंध में है, कुछ साउथ पंजाब में है, अपर पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में बहुत कम है, बहुत ही कम, ना होने के बराबर, ज़्यादा जो है वो कुछ वो सिंध में है, और वो भी सदरन पार्ट में, यानी उमरकोट का, थरपारकर का जो इलाका है वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो उनके साथ यानी बिल्कुल वो बेचारे जिन हालात में रहते हैं, अब वहाँ पे सिंध में हुआ ये है कि जो मौलवी थे वो बड़े स्ट्रांग हो गए हैं वहाँ पे, क्योंकि जो नेशनलिस्ट वहाँ पे एलिमेंट्स थे उनको काउंटर करने के लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे जो मौलवी हैं, जो मुल्लाज हैं, उनको बड़ा स्ट्रांग किया है। और जब आप इस तरह से स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको पावरफुल जो सेगमेंट्स हैं स्टेट के वो सपोर्ट कर रहे हों, तो फिर आप बदमाशी करते हैं, फिर आप गुंडागर्दी करते हैं, और उसमें फिर आप स्टेट की सपोर्ट के साथ, अभी जैसे इन्होंने फरमाया कि वो हिंदू बच्चियों को उठा लेते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं, जुल्म और ज्यादती करते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं, जायदाद पे कब्जा कर लेते हैं, तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि ज्यादती हो रही है माइनॉरिटीज़ के साथ इस मुल्क में, हिंदुओं के साथ भी और सिखों के साथ भी और क्रिश्चियंस के साथ भी, और बाकी जो हैं बहुत से तो माइग्रेट करके चले गए यहाँ से। यानी आप ये देखिए कि लाहौर शहर में एक वक्त में 60 इंडिविजुअल्स थे पारसी, 60, 60, अब वहाँ पे इस वक्त लाहौर में 2 या 3 रह गए हैं, बाकी सब माइग्रेट करके अमरीका चला गया, और चला गया, चले गए यहाँ से लोग, पारसी कॉलोनीज होती थी यहाँ पे, खाली हो गई, सब कुछ चला गया यहाँ से, वो जो डाइवर्सिटी थी वो ख़त्म हो गई अब, और एक बैरन सोसाइटी में हम रह रहे हैं। जी अंबर जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया, और मुझे लगता है कि जो हालात हैं और जिस तरह से वो ये सारी चीज़ें लिमिटेड नहीं है सिर्फ हिंदू सिख और क्रिश्चियंस तक, ये जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें अहमदियाँ हैं, शिया हैं, उन तक भी ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं। वही जैसे कि आपने बताया कि आइडियोलॉजिकल स्टेट बनती है, तो यही हालत। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन एक अंतर है, यू कैन नॉट इक्वेट द सफरिंग ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटी और द पारसी माइनॉरिटी। आई एम नॉट, ऑफ कोर्स, आई एम जस्ट गिविंग यू पर्सपेक्टिव। देयर इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिश्चियन लीडरशिप, जो बहुत बड़ी संख्या में इनको थाईलैंड के माध्यम से और उधर से होते हुए अपने वेस्ट के अंदर इनको शरण दे रही है। अगर कोई अनाथ है समाज तो दैट इज हिंदू। और मैं अगर हिंदू ना भी होता तो भी मैं इस चीज को ऑब्जर्व करता और इस चीज के प्रति एक सिंपैथी रखता कि ये एक ऐसा समाज है जिसको बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बर्थ, अपने जन्म के कारण, भाई जन्म तो एक रैंडम घटना है ना, बर्थ इज अ रैंडम इवेंट, किसका जन्म किसकी माँ के कोख से होगा किसको पता, आंख खुली जी पाकिस्तान के हिंदू हैं। Now, by the virtue of your birth, you are at a disadvantage. आपको अपमानित किया जाएगा, आपकी इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसको बेशर्मी और बेदर्दी से छीना जाएगा, आपकी बच्चियों में, गोर्धन बलोच एक हमारा यहाँ पर व्यक्ति है, उसकी बच्ची को बलोचिस्तान में उठाकर उनकी आंखों के सामने बलात्कार हुआ। एक बाप को ये देखना चाहिए अंबर, ये कौन सी जन्नत में हो गए यार। तो और मजे की बात है, पूरा का पूरा जो वैश्विक समुदाय, पाकिस्तान के हिंदू अनाथ हैं, भारत का हिंदू समाज भी उनका नहीं है। भाई मुझे से 2-4 पागल हैं, मैं हूं, जय हूं, जय मेरा भाई है, आनंद रंगनाथन, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, 5-6 लोग बोलते हैं। हाँ, हम लोगों के कहने से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ऐसा कचरा किया है इस गवर्नमेंट ने, ऐसा कचरा, 31 दिसंबर 2014 की एक रैंडम डेट लगा दी कि उसके पहले जो आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी। क्यों भाई, 31 दिसंबर 2014 के बाद जो आएंगे उन्होंने किसकी गाय मारी है?
यहीं पे डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है, बस यहीं पे एक सवाल है, मैं ये सवाल आपसे आगे पूछ रही, लेकिन अभी आपने मेंशन किया है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है सीए का जो कानून है उस पर सरकार को रिफॉर्म्स करने चाहिए बिना किसी कट ऑफ डेट के, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू और सिख है उनको भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए? आप क्या इस बात से अग्री करते हैं, क्या आप मानते हैं ऐसा होना चाहिए? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी ये मेरा सवाल आपसे है कि 31 दिसंबर कट ऑफ, यही तो रोना था मैंने यही कहा आपसे कि सिंस आपने मेंशन किया, क्या ये आप मानते हैं कि सरकार को सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहिए बिना किसी कट ऑफ डेट के बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हिंदू और सिख हैं उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? हाँ हाँ अंबर, यही तो प्राइमरी डिमांड थी हमारी। देखिए 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ जी, जिसमें दोनों देश के इन प्रीमियर्स ने कहा, दोनों के दोनों थर्ड क्लास लोग थे, इन्होंने ये कहा कि जी इस देश की जो हमारी माइनॉरिटीज हैं दोनों, इनको हम एक्सचेंज करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। 1955 का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट उसी नेहरू लियाकत पैक्ट के बेसिस पर बनाया गया कि दोनों देश अपने अपने देश में दूसरे देश की माइनॉरिटीज को प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप देंगे। अब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में एक राइडर है, शायद 5A या 51A, मुझे याद नहीं नंबर उसका, कि ये प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप केवल उस हिंदू सिख पारसी जैन बौद्ध ईसाई को मिलेगी जिसका जन्म अविभाजित भारत में या जिसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। अनडिवाइडेड इंडिया में अगर उसका स्वयं का या उसके माता पिता का जन्म है तो वो एलिजिबल है। अब इन चपड़ घंचुओं को ये पता ही नहीं था कि ये जो माइग्रेशन है ये 70-80 साल तक चलता रहेगा। आज भी अंदरूनी सिंध के कई हिंदुओं से मैं मिला हूं जो कहते हैं कि ये पार्टीशन क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है। इस 2013 में मैं एक मेघवाल बाबा जी आए थे, उनसे बोला जी हमको तो सिंधी में बोल रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं पार्टीशन हुआ कब। तो हमारी जो मेजर डिमांड थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट क्या था, CAA was an amendment in the 1955 Citizenship Amendment Act that this rider should be removed and Citizenship Act should become open-ended. कि कोई भी minority पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आना चाहे तो भारत उसका घर है, उसे आने दिया जाए। किसी सरकारी बाबू, किसी मिनिस्टर, मुझे नहीं पता 31 दिसंबर 2014 क्या रैशनल है, क्या क्राइटेरिया है जिससे आपने 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट डाली है, किसके कहने से डाली है? जो अभागा हिंदू 2014 31 दिसंबर से पहले भारत नहीं पहुंच पाया, हजारों एप्लीकेशन इस वक्त हमारे संस्था के पास में पेंडिंग पड़ी है, लोग अपना बिजनेसेस बेचकर सड़कों पर बैठे हैं अंबर, क्या जवाब दूं उनको मैं? सैकड़ों की तादाद में मैसेजेस पड़े मेरे फोन के अंदर, डाक साहब हमको निकालो, डाक साहब बच्ची उठ जाएगी, डाक साहब हमको निकालो। तो ओपन एंडेड किया जाना हमारी प्राइमरी रिक्वेस्ट थी। एक एडिशनल रिक्वेस्ट थी कि जो वेटिंग पीरियड है पाकिस्तानी हिंदू सिख जैन पारसी बौद्ध के लिए वो 12 साल का, जो कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर मैंडेटरी है कि जो प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, उसमें 12 साल अगर आप भारत में रह लेते हैं तो आप वैसे ही नागरिक हो जाते हैं, उसको घटाकर 5 साल कर दिया जाए इन लोगों के लिए। ये दोनों डिमांड हमारी नहीं मानी गई। तो मेरे लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 टॉयलेट पेपर से भी घटिया है आज की तारीख में। टॉयलेट पेपर का कुछ यूज तो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कोई यूज नहीं है हिंदुओं के लिए। इट इज अ फ्रॉड अनलीश्ड अपॉन द हिंदूज बाय दिस हिंदू लीडरशिप। वो बेचारो बसीन जी को करने का मतलब नहीं है। आप सीए के नाम पे भारत में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था वसीम साहब, शाहीन बाग और वो सब आपको याद होगा। जी 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 जी, तो ये सब तभी हुआ था जिस कानून की हम जिस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट हुआ। जी, और जी, वो अभी जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ये आपका अंदरूनी मामला है, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं करता। लेकिन इसमें एक जरूर मैं आपको राइडर बता देता हूँ, 2019 में जब शाहीन बाग यहाँ देश में मुसलमानों ने बिठाए थे तो एक आर्गुमेंट दिया था वसीम भाई, जो कितना लचर और कितना बेहुदा आर्गुमेंट था कि जी इस एक्ट में ना ये बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है, मुसलमानों को नहीं ऐड किया,
कि इस एक्ट में मुसलमानों को तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया। मैंने कह रहे ईंट ला दो, मैं सर फोड़ दूं अपना। मैं बोलती थी डिबेट पे हमेशा फिर पार्टीशन ही अंडू करना पड़ेगा ना फिर तो, अगर इसमें बॉर्डर खोल दो ना, बॉर्डर खोल दो, हम तो कहते हैं अखंड भारत। वसीम साहब को मुसलमान यहाँ आना चाहते हैं और अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मक्कार लोग हैं, अंग्रेजी में जैसे कहें दे वांट टू हैव द केक एंड ईट इट टू। मैं भी यही कहने वाला था जी, दे वांट टू डू दैट, दोनों हाथों में लड्डू। और हिंदू लीडरशिप एकदम स्पाइनलेस और घटिया है, इसीलिए ये जो 47 में हुआ था, मैं इसको न तो पार्टीशन मानता हूं न इसको मैं इंडिपेंडेंस मानता हूं। मेरी बुक आ रही है अभी, द हिंदूज ऑफ पाकिस्तान, द जेनोसाइड ऑफ द न्यानीज। सिंधी में जो कुंवारी बच्ची होती है उसको न्यानी कहा जाता है, तो मैं फोकस उसी पे कर रहा हूं कि एक एडल्ट मेल और फीमेल जो होता है ना उसके साथ कुछ होता है, तो मेरी उससे कोई बहुत ज्यादा सिंपैथी नहीं है। लेकिन एक चाइल्ड, इफ अ चाइल्ड इज बीइंग क्रश्ड अंडर रिलीजियस बिगेट्री, इट इज अ क्राइम विच शुड बी विच इज कंप्लीटली अनफॉरगिवेबल। तो उस बुक के अंदर मैं इस सारा का सारा वो मेंशन करने वाला हूं कि ये जो फ्रॉड हम पे अनलीश किया गया, ये हिंदू लीडरशिप नाम की कोई चीज 47 में जो हुआ, मैंने बुक में लिखा है क्लियरली, मैंने उसको फ्रीडम लिखा ही नहीं है, ट्रांसफर ऑफ पावर, गोरे साहिबों से सत्ता भूरे साहिबों के पास चली गई, और भूरे साहिब कई अर्थों में गोरे साहिबों से भी घटिया साबित हुए। जी वसीम साहब, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ या समझना चाहूँ, जो भी हालात हैं पाकिस्तान में हिंदूज और सिख और जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके, खास तौर से हिंदू और सिखों के, उस सबको देखते हुए, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती रहती है, और जो हम इस स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसके आधार पर भी हर दिन 3 लड़कियाँ अगवा की जाती हैं, तो इस सबको देखते हुए पाकिस्तान सरकार का क्या रोल रहता है या किस तरह का रोल अदा करती है इन बच्चियों को या फिर हिंदूज को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए बात यह है कि पहले तो मैं ये कहूँ, जैसे उमेंद्र भाई ने कहा कि हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि जितनी भी लीडरशिप है, चाहे हिंदूज की हो, चाहे क्रिश्चियंस की हो, चाहे सिक्स की हो, पारसीज की हो, पारसीज की तो खैर अब पारसीज तो बेचारे है ही नहीं, ये सारी लीडरशिप को हुकूमत कोऑप्ट कर लेती है, बाय कर लेती है, और जब ये कोऑप्ट हो जाते हैं तो फिर इनका काम फायर फाइटिंग ही रह जाता है कि किसी के साथ ज्यादती हुई है, किसी के साथ कोई बुरा किया गया है, तो वो फिर जाके उनको ठंडा करेंगे, उनको जाके नहीं नहीं कुछ नहीं, हम देख लेंगे, हम कर रहे हैं कुछ, और फिर जनाब वो एक कॉन्फ्रेंस हो जाती है जिसको इंटरफेथ हार्मनी कहते हैं कि जी एक बैनल मजाहिब हमाहंगी कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कोई एक पादरी आ जाएगा, एक वहाँ से कोई पंडित आ जाएगा, एक मौलवी आ जाएगा, वो बैठेंगे, वो कहेंगे जी देखें जी कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो कि आपको गलत काम की तरगीब देता हो, सारे मजाहिब जो है ना वो तो अच्छाई का दम भरते हैं और अच्छाई की बात करते हैं, तो ये मजाहिब में तो कुछ नहीं है, ये लोगों में है, तो बहरहाल कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, हल कर लेंगे। ये रोल है सिर्फ जो लीडरशिप है वहाँ, यहाँ पर लीडरशिप का सिर्फ ये रोल है और कोई रोल नहीं। दूसरा ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मौलवी है यहाँ पे वो एस्टेब्लिशमेंट ने उसको ताकत दी और वो बहुत ताकतवर हो गया है, अब वो बहुत ताकतवर हो गया है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं मीरपुर में, मैं चीफ कमिश्नर था इनकम टैक्स में, तो मैं वहाँ पे एक होटल है जिसमें के रूम्स थे, तो वहाँ मैं रहा करता था, तो करीब में एक मौलवी था, वो रात के कोई 2:30-3 बजे वो लाउड स्पीकर पे शुरू हो जाता था वाज करना, तो मैं बड़ा तंग आया, तो मैंने होटल के मालिक से बात की, तो उसने मेरी बात सुन ली, कहते हैं जी कुछ करते हैं इसका, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। फिर वहां पे मैं जो पुलिस का जो एसएसपी था, मैं उससे मिला, मैंने उसको कहा, और ये इलीगल है ये चीज, इस तरह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सवाए अजान के
और या जुमे के खुतबे के, उसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लाउड स्पीकर। उसको पुलिस वाले को कहा, मसला हल नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बात की, मसला हल नहीं हुआ। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई बंदा भी जाके उस मौलवी को ये नहीं बता सका कि वो एक इलीगल काम कर रहा है, अगेंस्ट द लॉ है, और वो उस पर एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है। यहाँ तक किसी की जरूरत नहीं हुई। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो यहाँ पे हुकूमत है, वो इतने खौफजदा हैं इनसे। अभी आप देखें, सिंध में एक डॉक्टर को मार दिया गया, और फिर पुलिस वाले जो थे उनको जाके, वो जो मौलवी थे, यानी पुलिस ने उसको मारा, उन्होंने पुलिस को जाके उनको हार पहनाए, उनको तो सस्पेंड कर दिया गया है पुलिस वालों को। बाकी जो लोग हैं, अब वो सुन रहे हैं हम जी कि वो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कुछ उन्होंने पकड़े भी हैं, कुछ वो गिरफ्तारियों के लिए वो छापे भी मार रहे हैं, लेकिन वो होगा क्या? वो बहुत से लोग पकड़ लेंगे, 20-25-30 पकड़ लेंगे, और फिर आहिस्ता 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 मामला जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो जो डॉक्टर है उसकी फैमिली से जाके बात करेंगे, उनको प्रेशराइज करेंगे, और उनसे वो आखिर में कहेंगे जी हमने माफ़ कर दिया है कातिलों को, और कातिलों को माफ़ कर दिया जाएगा जैसे होता है यहाँ पे, और वो जो भी कातिल हैं जिन्होंने मारा है वो सारे बाहर फिर रहे होंगे, और फिर दोबारा वो यही हरकत करेंगे। अब स्टेट बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। देखें, हमारे और आपके जो मसाइल हैं ना वो तकरीबन एक जैसे ही हैं, इंडिया और पाकिस्तान के मसले मसाइल आम, यानी, लेकिन आपकी स्टेट बड़ी स्ट्रांग है इस हवाले से। मैं ये कहूँगा आपकी स्टेट जो है वो इन्फोर्स करती है लॉ को। हमारे यहाँ स्टेट बड़ी कमज़ोर हो गई है, स्टेट डरती है, हुकूमत डरती है, ताकतवर हल्के मौलवी बड़ी पावर गेन कर गए हैं। मौलवियों के पास इस वक्त बड़ी, वो ब्लास्फीमी का एक लॉ जो है वो इतना बड़ा हथियार है उनके हाथ में, वो किसी को भी कह सकते हैं कि जी ये बंदा, इसने ब्लास्फीमी की है, और एक्यूजेशन इज इनफ, एक्यूजेशन, नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड, नो विटनेसेस आर रिक्वायर्ड। इफ यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फीमी, एनीबॉडी कैन कम एंड किल यू, वो मार देगा आपको, आप क्या कर, मतलब ये हाल हो गया है इस वक्त यहाँ पे सड़कों के ऊपर भी। स्वात में वाकया हुआ, फिर वो अब क्वेटा का हुआ, सिंध में हुआ, मीरपुर खास, मीरपुर, हाँ वही वहां पे हुआ, उमरकोट। तो बात ये है कि हुकूमत बहुत कमजोर हो चुकी है, और अगर कुछ थोड़ी बहुत आवाज बुलंद कर रहे हैं तो वो ये एनजीओज हैं, कुछ सिविल सोसाइटी है, कोई एक्टिविस्ट हैं, लिबरल्स हैं, और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वो कोई बात करते हैं। हुकूमत तो बिल्कुल चुप खामोश बैठी हुई है, बात भी नहीं करती। जी बिल्कुल जी अंबर। डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि जो कोई भी, जो जैसी भी स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, वसीम भाई ने बोला, उसमें मैं एक छोटे से रिजाइंडर दे दूं, दैट इन द सबकॉन्टिनेंटल पर्सपेक्टिव, इन जो उपमहाद्वीप है उसके अंदर जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें इफ थिंग्स गो continue going like this, then I think a civil war is coming towards us and it is inevitable, and the bloodbath that will happen in this subcontinent, it will dwarf anything that mankind has ever seen. World war mein 6 crore log mare the, second world war ke andar jo aaj tak ka sabse bhishan darshan satyakand hai. 10 lakh log partition ke samay Pakistan mein mare the, 20 lakh log 71 ke samay Bangladesh banate samay bhi इसी पाकिस्तानी आर्मी ने 20 लाख हिंदुओं को मारा था। टेड कैनेडी के मेमोर्स पढ़ें आप, आपकी आत्मा हिल जाएगी, किस तरह से महिलाओं को, हिंदू महिलाओं की ब्रेस्ट काट काट कर उनका मर्डर किया गया था। तो इंटरनेट के आने के बाद क्या हुआ है कि हिंदूज आर नाउ गेटिंग कंसोलिडेटेड, एक ये गेम हमको समझ में आ रहा है, हम जैसे हिंदुओं को, तो ये एक वॉकओवर नहीं होगा इस्लामिस्ट के लिए। या तो ये इंसान के बच्चे बन जाएं, या जैसे वसीम भाई की आंक्ष बिल्कुल उचित है कि ये जो जिनी है ना ये बाहर आ चुका है, ना स्टेट इसको फाइट कर सकती है, मैं इनकी देश की बात कर रहा हूं, ना तो इनकी स्टेट इसको फाइट कर सकती है,
क्योंकि आपने जो व्यक्ति के अंदर इरेशनल एलिमेंट है उसको अपील कर दिया है। अब रैशनल तो रहा नहीं है युद्ध, एक इमेजिनरी हिंदू है उससे लड़ना है। तो गजवाए हिंद का जो पूरा कॉन्सेप्ट आता है वो कहां से आता है? वो उस इरेशनैलिटी से आता है। अरे भाई 1400 साल हम हिंदुओं ने मुसलमानों को यहां पर नहीं जमने दिया, 1400 साल। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इस खित्ते में लड़ा गया, जिसको विल डुरेंट, इयन ऑस्टिन जैसे न्यूट्रल हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट करते हैं। और मेरी पुस्तक अगर महाराणा आपने पढ़ी हो, जो आपको याद हो, तो मैंने उसमें पूरा डॉक्यूमेंट किया है कि किस तरह मुसलमानों को हम लोगों ने 1400 साल तक रोक के रखा। तो ये 70 साल में क्या हुआ? ये कांग्रेस की जो लिबरल जो चोर आए दिल्ली के अंदर, और इन्होंने हमें कंफ्यूज किया कि नहीं, अहिंसा इज फाइनल प्रिंसिपल, आप सरेंडर कर दें। तो ये जो एक तरफा जो नैरेटिव भी चला, और जो फिजिकल स्पेस, इमोशनल स्पेस, इकोनॉमिक स्पेस हमारा, पूरी हलाल इकोनॉमी जो आ गई, जो साइकोलॉजिकल स्पेस कम हुआ, वो इंटरनेट के आने के बाद देयर इज अ रिवर्स कंसोलिडेशन अमंग्स हिंदूस, एंड दैट इज अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर अ कॉन्फ्रंटेशन। नाउ आइदर हम दो समाज इसको रिकनसाइल कर लें कि भाई आपके हम हमारे, आपकी भी जय हमारी भी जय जय, ना तुम्हारे ना हमारे। बट वो चूंकि इस्लामिस्ट एजेंडे को सूट नहीं करता, क्योंकि वो गैर मुस्लिम महकूम बनाने के लिए पैदा किए गए हैं, तो फिर जो गैर मुस्लिम है वो भी तो कंसोलिडेट होंगे ना। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि वसीम भाई का जो कहना, वो जीनी जो है ना वो बाहर आ चुका है। मुझे कोई पीसफुल एंड इस एक बहुत भयानक, बहुत डरावना अंत मुझे इस सबका होता दिखाई दे रहा है। मेलोड्रामेटिक, मैं बिल्कुल भी डूम्सडे का प्रेडिक्टर नहीं हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, परिवार वाला आदमी हूं, मेरे भी बाल बच्चे हैं। मैं बहुत बहुत डर के, और ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं गलत हूं। आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन डॉक्टर साहब, जो स्थिति पाकिस्तान में है हिंदूज और सिख की, और हर दिन इस तरह के रिपोर्ट सामने आते हैं जहां पर हम बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होते देखते हैं, इस सब पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की खामोशी को आप किस तरह से देखते हैं? हिंदू लीडरशिप की नपुंसकता। मैं 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अमेरिका गया, जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करवाया। वहां पे फॉरेन ऑफिस की दो लड़कियां आई, एक नाइजीरियन थी, एक रशियन डिसेंट की थी। कैन यू बिलीव अंबर, उन दोनों बच्चियों को, लड़कियों को, ये पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं। एंड इन अ कॉन्वर्सेशन विच लास्टेड अबाउट 90 मिनट्स, उन्होंने मुझे अपने अपने विजिटिंग कार्ड दिए कि अगर आपको इमरजेंसी में कहीं भी किसी पाकिस्तानी हिंदू को बचाना हो तो ये मेरी ईमेल है। उसके बाद हमने उस ईमेल के माध्यम से 10 परिवारों को इमीडिएट हमने हेल्प करके बचाया भी। सो भाई आप मुझे बताइए कि पैलेस्टीनियंस कितने हैं, इन नंबर्स कितने हैं? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। ज्यूज कितने हैं इजरायली में? 70 लाख। पाकिस्तान में हिंदू कितने हैं? 1 करोड़। बांग्लादेश में कितने हैं? 2 करोड़। 3 करोड़ ह्यूमन बीइंग्स का जेनोसाइड चल रहा है। किसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, किसी यूनाइटेड नेशन में कोई हिंदू प्रतिनिधि इसके बारे में बोलता है? कोई बात करता है मुझ जैसे पागलों के अलावा? ये हमारा क्राइसिस ये है कि इस समाज की पीड़ा को, इस समाज के दर्द को हमने कॉग्निजेंस ही नहीं लिया है। पूरे सबकॉन्टिनेंटल इक्वेशन के अंदर ये 3 करोड़ हिंदू, दीज आर पीपल विदाउट अ नेशन, कहते हैं बेचारे यहां आकर के कि डॉक्टर साहब वहां तो काफिर है, यहां पर पाकिस्तानी है। जयपुर में मुझे इन पाकिस्तानी हिंदुओं को किराए का मकान दिलाने के लिए अपना आधार कार्ड 100 जगह पर देना पड़ा कि मैंने कहा मैं गारंटी लेता हूं, कोई यहां पर भरोसा नहीं करना चाहता। Why? Because the हिंदू लीडरशिप इज बहुत बौने लोग हैं, कायर लोग हैं, इंटेलेक्चुअली डिप्लीटेड हैं। एक तो कोई मोदी, ये जो योगी जी, हेमंत बिश्वास शर्मा, 3-4 लोगों को छोड़ दे, टट पूंजीय टाइप लोग हैं,
और चटपुंजिये के हाथ में जब सत्ता आती है और पैसा आता है तो वो उससे सर्वनाशी करता है। आपको वेल्थ और पावर को हैंडल करने के लिए उस लेवल की पर्सनैलिटी चाहिए, उस लेवल की इंटेलिजेंस चाहिए, वो है ही नहीं। तो ये बेचारे बुलाए हुए लोग, तभी तो ये आर्टिकुलेशन होता है ना कि जो हिंदू जहां है उसे वहीं पे सशक्त करेंगे। तुमने कश्मीर के अंदर तो सशक्त कर दिया होता हिंदुओं को, 5 लाख हिंदुओं का इस देश में। इमेजिन करो, तुम इमेजिन करो, उमरकोट में डॉक्टर साहब ने कहा ना कि वसीम भाई ने कि हिंदू 70% है, मतलब 30% मुसलमानों को उमरकोट से खाली कर दे वो। इमेजिन करो डॉक्टर साहब, है संभव वसीम भाई? संभव है ये? इज इट पॉसिबल कि उमर को मुसलमानों से खाली करा दिया जाए? इस देश में कश्मीर वैली खाली कराई गई हिंदुओं से, ये सब किस सामने हुआ और कोई रोता नहीं है। ये जो आर्टिकल 370 का रोना रोते हैं कि हमने हटा दिया, तुमने एक हिंदू को वापस कश्मीर वैली भेजा? तो सर्कसी लोग हैं, सर्कस देख करके खुश होने वाले लोग हैं। वो जुवेनाइल करके रशियन रोमन फिलोसोफर था ना, गिव देम सर्कस एंड ब्रेड एंड दे विल नॉट रिवोल्ट। जी, वो की हालत है इस वक्त। एक क्रिटिकल मास जैसे तुम आती हो जिन मीटिंग्स में अपन बैठते हैं, वो उसका एक धीरे धीरे सुबुहाट हो रही है। और जितनी बदतमीजियां, जितना पाप और व्यभिचार इस्लामिस्ट करेंगे, उतना हिंदू समाज जागृत होता जाएगा। तो एक तरह से वेरी वेरी बहुत पेनफुल बात, बहुत दुख के साथ ये कहता हूं कि इन निरीह, इन बेचारे भुलाए हुए हिंदुओं की लाशों पर, इनकी चिताओं पर रोटियां सेकने वाले लोग हैं। Unfortunately, वसीम साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ यूएस विजिट पर हैं और वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट की बात करेंगे, कश्मीर की भी बात करेंगे, और मुझे पता है कि ऐसा वो करने वाले हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करने वाले शहबाज शरीफ, क्या जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है हिंदुओं का, सिखों का, या ओवरऑल अब तो मुसलमानों का भी होता है ब्लैस्फेमी के नाम पर, तो उस सब की सुध क्यों नहीं लेते? इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पे ग्रैंड ऑपरेशंस चल रहे हैं, उनकी सुध क्यों नहीं ली जाती? वहां पर क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? उसकी वजह ये है कि उनको जो स्क्रिप्ट दिया गया है उस स्क्रिप्ट में इन चीजों का जिक्र नहीं है। उस जो जिक्र है वो फलस्तीन का है, उसमें गाजा का है, उसमें इवन सिंकयांग प्रोविंस में जो कुछ हो रहा है चीन में, उसका भी जिक्र नहीं है। चीन के साथ, क्योंकि चीन के साथ जो दोस्ती है वो समंदरों से ज्यादा गहरी और पहाड़ों से ज्यादा ऊंची और शहद से ज्यादा मीठी है। क्या बात है, उसका भी जिक्र नहीं है उसमें। ठीक है जी, इमरान खान से किसी विदेशी जर्नलिस्ट ने पूछ लिया था कि जी कियांग के अंदर, शी जियांग के अंदर जो मुसलमान का, तो बोले कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा यार इतनी बेशर्मी, इतनी निर्लज्जता। आई थिंक इट वॉज अ न्यू बेंचमार्क इन शेमलेसनेस। तो ये बड़ा आसान होता है कि आप अपने मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे आप आंखें फेर लें और आप जिक्र करना शुरू कर दें गजा का, फलस्तीन का, मगरबी किनारे का, लिबनान का, शायद लिबनान का भी जिक्र करें, और फिर उसके बाद कश्मीर का जिक्र करें। तो वो चूंकि ये बड़ा आसान है दूसरों को क्रिटिसाइज करना, अपने गरेबान में झांकने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, आपको अपनी गलती माननी पड़ती है, आपको जो आप करते रहे हैं तारीखी तौर पे उसको आपको तस्लीम करना पड़ता है, वो ये करने को तैयार नहीं है। तो शहबाज शरीफ तो बेचारा जो है वो तो एक, बस समझ लें कि अब मैं क्या कहूँ, वो एक लकड़ी का बाबा है, वो इस तरफ मोड़ देंगे तो इधर मुड़ जाएगा, उधर मोड़ देंगे तो उधर मुड़ जाएगा। उसने क्या कोई बात करनी है जाके, वो ये वहां जाके चला गया न्यूयॉर्क, क्या है, कुछ घूमे फिरेगा, कुछ अच्छे से होटल में ठहरेगा, कुछ खाए पिएगा, सैर वैर करेगा, गाड़ियों में घूमे फिरेगा, और उसके बाद फिर वो वापस आ जाएगा। और बस यहाँ तक है इन लोगों का रोल।
असल जो ताकत है, असल जो हुकूमत है, वो किसी और की है, वो कोई और है। तो ये प्रोटोकॉल के लिए आगे इन्होंने रखे हुए हैं। ये जो हुकूमत है वो अवाम के एंटरटेनमेंट के लिए है, और वो इसलिए है कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन पे फिक्स हो, हम पे ना हो, पीछे कुछ और लोग हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली हकीकत है हमारे मुल्क की। वसीम साहब, आप ही से सवाल ये है कि इस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लेकर सवाल मैंने डॉक्टर साहब से किया था, वो आपसे ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, सिंस शहबाज शरीफ बोलेंगे? इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूं ये करना चाहिए कि उन्हें जो वो हमें इमदाद देते हैं, मसलन IMF है, मसलन यूरोपियन यूनियन है, वो इसको टाई अप करें ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है उसके साथ, ये तो फिर ये सीधे होंगे। मैं स्टेटमेंट्स देने से कि जी आप हमें ये दे दें और वो कर दें और ऐसे और वैसे, वो उसका कोई फायदा नहीं है। ये पैसा, पैसा जो है ना, उसको कनेक्ट करें ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन के साथ। आप वो हम कर्जा नहीं देंगे, पहले आप ये करें, हम आपको कोई फंड्स नहीं देंगे। वो यूरोपियन यूनियन ने आसिया बीबी का जो केस था उसमें उन्होंने जब थ्रेट किया तो फिर उन्होंने आसिया बीबी को छोड़ दिया था। आसिया बीबी फ्रांस पहुंच गई और फ्रांस से फिर वो आगे कैनेडा चली गई। ठीक है, तो ये एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अगर आप इनको कोई वैसे इनसे जो मर्जी आप कहते रहेंगे, ना ना ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स को लिंक अप करें आप इमदाद के साथ, पैसे के साथ, जो माल आता है वहां से, तो माल जब रुकेगा तो फिर ये सीधे हो जाएंगे। बस बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सुझाव वसीम साहब की तरफ से आया है, उम्मीद है इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे ध्यान दे। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि वसीम भाई की इस बात ने मुझे, मेरा दिल जीत लिया है। 2017 में उन दोनों लड़कियों ने जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में बैठी थी, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर ओमी, वी आर कन्विंस्ड दैट यू नो व्हाट यू आर टेलिंग अस द ट्रुथ, नाउ व्हाट यू वांट अस टू डू अबाउट दिस। मैंने एग्जैक्टली ये बात बोली थी दैट यू आर फंडिंग अ स्टेट विच इज कमिटिंग अ जेनोसाइड ऑफ हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध एंड ऑल दैट क्रिश्चियंस। प्लीज लिंक योर फाइनेंशियल एड to the health of the minorities. और 2018 जनवरी में आप गूगल कर लें, वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के लिए ट्रंप ने सेंशन कर दिया था पाकिस्तान। तो ये जो रॉटन सिस्टम है, देखो अल्टीमेटली मैं क्या कहता हूं भाई, जो पाकिस्तान के मुसलमान है वो भी तो आज से 10-5 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, हमारे भाई हैं यार। मेरे जो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे वो भी हिंदू थे, उनका नाम था राजा मल, और वो वहीं से राजपूत थे जी। नमन है साहब आपको, क्योंकि मैं एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जो हमारे जो मेवाड़ का राजघराना है जिसने मुसलमानों को 1200 साल तक पीटा पकड़ के, और वो पूरी बुक है मेरी, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंटेड बुक है, वो महारानास 1000 ईयर वॉर फॉर धर्म, धर्म के लिए 1000 वर्षों का धर्म युद्ध, जिसको इयान ऑस्टिन ने लिखा था कि दिस वॉर ऑफ फ्रीडम बाय हिंदूज इज द ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, हैड हिंदूज नॉट डिफीटेड इस्लाम इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द होल ग्लोब वुड हैव बीन इस्लामाइज्ड। ये और आपके पुरखे उसी में थे, वो राजपूत अगर रहे हैं तो वो बेचारे किसी परिस्थिति में आज भले से मुसलमान बन गए हो। तो मैं जो कहना चाहता था, ये तो हिस्ट्री की बात हुई, इस पर एक अलग डिबेट होगा, एक इननेट ह्यूमैनिटी है जो रैबिड इस्लाम से अलग है, वही मेरी आखिरी आशा है। अगर इस सबकॉन्टिनेंट में ब्लड बाथ हमको अवॉइड करनी है, वो जो इननेट जो जीन्स है हिंदुओं की, पाकिस्तानी उस मूल के लोगों में,
अगर वो इंसानियत थोड़ी सी चमक उठी, थोड़ी ऊपर आ जाए, बाकी फिर अपना वो रखें, अपना मजहब जो रखना है आप रखें, उसको आप करें, लेकिन लेट अस नॉट फॉरगेट दिस इज अ नेशन जिसने अहमदियों को काफिर डिक्लेयर किया हुआ है, तो काफिर तो कहीं उसमें श्रेणी में नहीं है। काफिर एक्जेक्टली वाजिबुल कत्ल, जन्मते ही वाजिबुल कत्ल है वो तो। एब्सोल्युटली, और इन द राइट डायरेक्शन, हमसे कुछ लोग हैं जो इस फाइट कर रहे हैं, इस पूरी मानसिकता को, इस पूरी मेंटालिटी को, महादेव करे, अल्लाह करे कि हम सक्सेसफुल हों और एक विनाश की तरफ जो सब कॉन्टिनेंट जा रहा है वो ना जाए। बट उतनी बचकानी लीडरशिप, इतने बौने लोग, इतने घटिया स्वार्थी लोग जिनको बच्चियों के साथ सेक्सुअल प्लेजर लेने में जन्नत दिखती है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि इसका कोई इजी सॉल्यूशन है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्लडी एंड वेरी हार्ड फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। एब्सोल्युटली, और उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ही इस पे ध्यान दे, और पाकिस्तान को, जैसे कि वसीम साहब ने सजेशन उनका आया है, बहुत ही एग्जैक्टली, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमेंद्र रत्नो, वसीम अल्ताफ साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। आप दोनों की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स आए, उम्मीद करते हैं कि ये फ्रूटफुल चर्चा जो हमने आज की है, इससे कुछ हालात बेहतर हो पाए जो पाकिस्तानी सिख्स और हिंदूज हैं उनके। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू अंबर, थैंक यू वसीम भाई, अपना ख्याल रखिएगा।